हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है आकाश। आज के ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ अपने गांव के बारे में। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था अपने खेत के बारे में, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरा गांव कैसा है, मेरे घर के पास की जगह कैसी है और मेरा घर कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो वैसे अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 के समथिंग। मैं बैठा हूँ अपने घर के पास एक भवन में जिसका नाम है मानस भवन। पहले तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको, उसकी लोकेशन देख लीजिए आप। तो भैया, सबसे पहले जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो जगह बता देने वाला हूँ। ये मैं बैठा हूँ, यह एक तालाब, मतलब तालाब है ये छोटा सा, ये पूरा भर जाता है बरसात में जब पानी आता है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ इसकी छांव में, मतलब ये लगा है इमली का पेड़ ऊपर, ये इमली का पेड़ लगा है, इसमें बहुत ज़्यादा इमली मतलब लगती है, उगती है बहुत ज़्यादा इमली। और ये जो तला है ये पूरा बरसात में ये पूरा फुल भर जाता है पानी से, ये पूरा पानी से फुल भर जाता है, ऊपर से पानी बहने लगता है इसमें ऊपर से, और फुल भर जाता है, ये पत्थर तक भर जाता है ऊपर, इन पत्थरों तक ऊपर भर जाता है, यहाँ से पानी बहने लगता है पूरा वहाँ तक, रोड के ऊपर से पानी बहने लगता है। मैं पास से दिखा देता हूँ, इसमें पूरा भर जाता है, रोड के ऊपर से पानी बहने लगता है इस तालाब में, यहाँ से पानी आता है, मतलब खेतों का पूरा पानी बह के आता है और ऊपर तक भर जाता है। और यहाँ पे ये है मानस वन। सामने की बात करें तो यहाँ से कुछ लोकेशन आ रही है मतलब, और जहाँ मैं सबसे पहले तो ये पे लाइट बढ़ाकर देखने, और पास से अगर बताएं तो कुछ ऐसा मतलब दिखाता है, मतलब अंदर से ऐसा दिखाता, ठीक है अंदर से। जी लगी है यहाँ के सरपंच जी की मूर्ति, जिन्होंने ये सब बनवाया था इनकी मूर्ति लगी है, तो रोक के इनके बारे में पढ़ लेना यहाँ पे, ऐसा कुछ है। कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, और ये बना है भवन, ये अंदर से बहुत बड़ा, जितने भी सरकारी काम काज होते हैं इसी के अंदर मतलब होते हैं, इसके अंदर सारे सरकारी काम होते हैं। और ये है ग्राम पंचायत भगवान, साइड में ये कुछ ऐसे मतलब खेत वगैरह, और इसको अंदर से दिखाऊं तो ये सब शटर मटर बनने डली हैं अभी, तो शटर मटर यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं मस्त, यहाँ से अपन जाते हैं ऊपर की तरफ, ये सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर का भी आपको मतलब मैं नज़ारा दिखा देता हूँ कैसा नज़ारा है।